दोस्तों, क्या आप अपनी इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड कर चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सवाल बहुत बार मुझसे पूछा गया है, तो फाइनली वीडियो लेकर आ चुका हूँ। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और टेक्नो गुरुदेव को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड हर वो सवाल का जवाब मिलता है जो आपके दिमाग में घूमता रहता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान लगाकर वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो टेक्नो गुरुदेव की इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ, ताकि जो लोगों का डाउट है वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल है वो आप देख सकते हैं, ये है काम गर्ल कोमल की तरफ से, और इनका एक सवाल है, ये लिख रही हैं कि क्या इंस्टाग्राम के वीडियो को यूट्यूब में शॉर्ट्स में डाल सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, एक YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए या तो आप उस पर शॉर्ट्स डालकर मोनेटाइज कर सकते हैं या लॉन्ग डालकर मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने चैनल पर शॉर्ट्स डालते हैं, मैं YouTube की बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने YouTube चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं तो आपको 10 मिलियन व्यूज लास्ट 90 दिनों में कंप्लीट करने होते हैं और 1000 सब्सक्राइबर, तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप लॉन्ग वीडियो डालते हैं तो आपको 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर लास्ट 365 डेज, मतलब एक साल के अंदर कंप्लीट करने होते हैं और आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब की यहां पर कुछ मोनेटाइजेशन पॉलिसी है जिसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप अगर 10 मिलियन व्यूज भी कंप्लीट कर लें शॉर्ट से, या चाहे आप 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट कर लें लॉन्ग वीडियो से, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो को हम यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों देखिए, YouTube पर कॉपीराइट एंड जो कम्युनिटी गाइडलाइन है, इन दो रूल को फॉलो करना होता है। अगर आप दोस्तों YouTube पर पहले ही जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी, उस पर मेंशन किया गया है कि आप यहां पर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते हैं, सेम टू सेम आप उनके कुछ पार्ट्स को यूज कर सकते हैं वीडियो में, ये नहीं कि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से वीडियो उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये यूट्यूब के पॉलिसी के अंदर है, इसको आपको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी अदर प्लेटफॉर्म की वीडियो को आप यूट्यूब पर डायरेक्टली सेम टू सेम अपलोड कर पैसे नहीं कमा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि जो दूसरी यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो ये है कि कोई भी म्यूजिक या कोई भी वॉयस आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर कॉपीराइट इशू आता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से पहले ही YouTube ने क्लियर कर दिया है कि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का म्यूजिक या किसी दूसरे जगह का वॉयस यहां पर यूज नहीं कर सकते, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। दोस्तों, Instagram रील्स को आप डायरेक्टली YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते। हाँ, आपने कोई वीडियो बनाया है उसमें उसका छोटा सा पार्ट आप यूज कर सकते हैं, उससे आपका कंटेंट सेफली मोनेटाइज हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपको अपने YouTube शॉर्ट्स को मोनेटाइज करना है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप YouTube पर जो वीडियो बना रहे हैं वो YouTube के शॉर्ट्स के म्यूजिक को ही इस्तेमाल कर बनाएंगे, तभी आपका YouTube शॉर्ट्स जो है मोनेटाइज हो पाएगा। अगर आप बाहर से सॉन्ग को यूज करेंगे तो आपको रीयूज कंटेंट या कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहां पर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम रील्स की वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड कर चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियो को इंस्टाग्राम रील्स पर, फेसबुक रील्स पर या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो को किसी और जगह अपलोड कर सकते हैं, लेकिन किसी और जगह की प्लेटफॉर्म की वीडियो आप YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते। YouTube इसीलिए तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा और YouTube के मोनेटाइजेशन पॉलिसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और उस पर अब आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी हैं, तो आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट भी किया जा सकता है, आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसी समस्या से परेशान है। तो उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। साथ ही दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।